परमात्मा ने जो भक्ति करनी है तो भगत की तरह रहना पड़ेगा, बुराइयों से भी बचना होगा। और एक बहुत ही साधु भाव में रहना पड़ेगा, किसी की आत्मा नहीं दुखावे। ठीक है, आपको धीरे धीरे सेट होने में टाइम लगेगा, जैसा भी जिसका व्यवसाय है अब वर्तमान में, उसमें एक साधुता लाओ। जैसे कोई मजदूर है, सेवा कर रहा है किसी के, और भगत हो गया तो वो तन मन धनता सेवा करे उस मालिक के उसमें, क्योंकि वहाँ से उसने रोटी मिल रही है। और फिर परमात्मा ऐसी प्रेरणा करेगा उस मालिक के अंदर, देख भगत आदमी होते ऐसा हो भाई, कोई चीज़ पड़ी रहो घर में, उसके लिए मिट्टी समझे चाहे पैसा हो चाहे सोना हो कुछ भी हो, अपनी मिली हुई दो रोटी यानी दो जो दिहाड़ी मिलती है उसमें संतोष सबर करके देखा कितनी इज्जत बनेगी उसकी, और कितनी विनम्रता और उसके प्रति सद्भावना और उसका आदर बनेगा उस मालिक के हृदय में। इसी प्रकार अगर आप मालिक हैं, भगत हैं, आपके यहाँ कोई सेवादार सेवा करता है, उनको अपने बच्चों की तरह समझें, उनको भगवान के बच्चे समझें, वो बालक सेवा कर रहे हैं, भगवान के बच्चे हैं, उनको प्यार दे और उनके साथ कोई ऐसा गलत बर्ताव नहीं करे। और फिर कुछ दिनों में उनके दिल में ऐसी भावना होगी, परमात्मा दोनों तरफ रोल करता है जब हम मालिक के अनुसार चलेंगे, फिर उन बच्चों में भी उन सेवादारों में भी ऐसी भावना भर देगा भाई हमारे जैसा नालायक नीचे इसे ऐसे भले आदमी के घर में राम 19-21 कराएंगे, सेवा में मजदूरी में 21 काम कराया करेंगे वह। तो इस तरह कितना अच्छा माहौल बनेगा। और हम जैसे जैसे मालिक तो समझता है कि न रुपये पैसे दो 100 रुपये और काम खींचूँ 1000 का, और मजदूर क्या समझते हैं रुपये लेवा 500 और काम करा 100 रुपया का, दोनों की नीत खराब और दोनों दुखी, कर्म भी बिगड़े टेंशन बनी रहे। तो इस प्रकार हमने अपने इस अंतःकरण के अंदर एक साधु भाव लाना पड़ेगा, और तब हम देखना आपका वातावरण कैसे बदलने लगेगा, कैसे बदलने लगेगा पूछो मत। तो तब हम यहाँ भी सुखी होंगे, आपको चिंता नहीं रहेगी कि वहाँ सेवादार सेवा कर रहे हैं, वो अपने तन मन धन से सेवा करेंगे भगवान से डर के, वो भगवान से डरने वाले हो जाएंगे, फिर बातें खत्म हो जाएगी। अब तो आग लगी पड़ी है, रिश्वत ले ले, यूँ ले लूँ, फलान करूँ, जब करूँगा तेरा काम, धर दे 500 रुपये, और उधर से 500 ले लिए, डॉक्टर के जाकर 1000 लग गए, वो 500 भी गए, 500 अपनी तनख्वाह में गए, अरे वो पाप कर्म जो कह दो धरे के धराए रह गए, फिर गद्दा बनकर पूरे करेगा जिससे रिश्वत ली है। तो इसी विघ्न में पैर दो मत, ये भगवान बताना चाहते हैं। और जब आपको ये ज्ञान होगा ना, जहर दिखाई देगा आपको, और जब आप नेक नीति से चलोगे तो पूछो मत। अब दास बहुत देखता है, एक छोटा सा बच्चा ने बोला जी 55 रुपये पाए मैंने पड़े, वो घर पे ले आया, घर वाले बोले ना बेटा हमने नीचे धर दे, अपना दान पात्र में डाल दिए, इस विषना हम नहीं खाएंगे। अब देख जिसके गिरे थे उसको पुण्य हुआ, अब यहाँ पर भंडारे में लग गए, और वैसे उस पर चौनी खर्च हो रही थी कि उसने विधि का पता नहीं, और वैसे कोई और मिल जाता उसने जाते कह गुट्टी लाओ उसके 55 रुपये आएगी, या कि तो मांस मिट्टी खाओ उसको और पाप लगे हो। तो इस प्रकार हमारी नीत साबित होगी, भगवान खुश होगा, और जब भगवान खुश होगा तो फिर कमी नहीं रहेगी। हमने परमात्मा को प्रसन्न करना है, और परमात्मा प्रसन्न होगा तो फिर कमी किस चीज की, फिर तो क्या बताते हैं परमात्मा, साई इतना दीजियो जा मैं कुटुम समावे, हम भी भूखे ना रहे अतिथि न भूखो जावे। इससे अधिक मांगना इस काल की जेल में हमारी महामूर्खता है कि इतना ही मांग लो बस, तुम इसमें सब कुछ मिलेगा, क्योंकि ये कलयुग है
और कलयुग में मशीनरी जरूरी होगी, तो आप इतना ही मांगो जामे कुटुंब समावे, यानी रिक्वायरमेंट ऑफ द फैमिली, परिवार की आवश्यकताएं, ये है जामे कुटुंब समावे, और हम भी भूखे ना रहें और अतिथि न भूखा जाए, फिर देगा आपको। और फिर रहो मालिक के वचनानुसार चलो, फिर कैसे जैसे परमात्मा कहते हैं, चेड़ी चोंच भर ले गई नदी न घट्यो नीर, दान दिए धन घटे नहीं, यूं कह रहे साहेब कबीर। परमात्मा अपना साइन कर रहे हैं इस वाणी को बोल करके, कह रहे साहेब कबीर के दान करने से धन नहीं घटेगा, ये नियम है ईश्वर का, परमेश्वर का। और दान सुपात्र को करे, गुरु बिन माला फेरते, गुरु बिन देते दान, गुरु बिन दोनों निष्फल हैं, चाहे पूछो वेद पुराण। देते को हर देत है जहां तहां से आण, अण देवा मांगत फिरो फिर साहिब सुने ना कान। अब परमात्मा ने एक भूमिका करके दिखाई हमारे को कि साईं इतना दीजियो जिसमें कुटुंब समावे, एक धानक एक जुलाहा, सुबह से लेकर शाम तक एक बारीक बारीक तार इकट्ठे करके धागे और कपड़ा बुनता है, एक दिन में मुश्किल से भी 5 फुट 10 फुट बना पाता है, 5 फुट 4 फुट और बहुत लंबा सैकड़ों फुट का तार वो थान बनाना पड़ता है, ताना बनाते थे, वो हफ्ते में पूरा होता, उसकी जो मेन ताना मालिक को मिलता है उसमें से अपने परिवार के लिए जो आवश्यक सामग्री थी खाद्य पदार्थ लाते और शेष बच जाते उसको सत्संग और भंडारम लगाया करते थे। इस प्रकार परमात्मा हमें उदाहरण देते हैं कि इस लोक में आप भगवान की भक्ति अवश्य करो, पूर्ण संत से प्राप्त करके फिर परमात्मा एक्शन में आवेगा, और वैसे आप ये फार्मूले अपनाओगे तब सफल नहीं हो पाओगे, क्योंकि फिर आपके साथ काल रहेगा ये मन, और केवल वर्क डन मिलेगा आपको, यहाँ वर्क से भी अलग मिलेगा आपको, किस्मत से भी नारा देगा परमात्मा, क्योंकि हम परमात्मा से कुछ और मांग ही नहीं रहे, इतना ही मांगते कि हमारी भक्ति बनी रहे और हमें कोई आवश्यक वस्तु की का अभाव ना हो, बस इतना सा।